नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सरना कोड को लेकर झारखंड में आदिवासियों ने रेल रोड चक्का किया जाम। सरना कोड लागू करने की मांग को लेकर केंद्रीय सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद एवं आदिवासी सेंगेल अभियान के द्वारा बुलाए गए भारत बंद के तहत झारखंड के रांची, हजारीबाग, लोहरदगा, खूंटी समेत 7 राज्यों में रेल रोड चक्का जाम किया गया। राजधानी रांची में अनगड़ा प्रखंड अंतर्गत गंगा घाट पर रेल रोड चक्का जाम किया गया। गंगा घाट रोड एवं रेल पटरी पर उतरकर आदिवासी समुदाय के लोग सरना कोड की मांग कर रहे थे। गंगा घाट रेलवे स्टेशन में केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की, उपाध्यक्ष प्रमोद एक्का, सोमरा उराव, गंगा मुंडा, साजन उराव, प्रभु उराव, मंगरू उराव एवं गांजू उराव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क एवं रेल पटरी पर उतरकर प्रदर्शन किया। बता दें, रांची के कोकर में केंद्रीय सरना समिति के महासचिव संजय तिर्की के नेतृत्व में सड़क जाम किया गया। वहीं हजारीबाग में सरना समिति हजारीबाग के अध्यक्ष महेंद्र बैग के नेतृत्व में आई लव यू चौक जाम किया गया। वहीं लोहरदगा जिले में जिला सरना समिति लोहरदगा के अध्यक्ष जैतू उराव के नेतृत्व में लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोकी गई एवं कचहरी रोड के मुख्य चौक पर सड़क जाम किया गया। सीएम हेमंत को ईडी के आखिरी समन पर सियासी सरगर्मी बढ़ी। ईडी ने कथित भूमि घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नया समन जारी किया है। समन को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। विपक्षी दल भाजपा ने मुख्यमंत्री को जांच में सहयोग करने की सलाह दी है, ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं झामुमो केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि सरकार और मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। सीएम सोरेन कानून के जानकारों और सरकार के महाधिवक्ता के संपर्क में हैं, जो उचित होगा निर्णय लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत सीएम हेमंत सोरेन को जारी किया गया यह 7वां समन है, जिसमें उनसे 7 दिनों में अपना बयान दर्ज करने के लिए कहा गया है। क्योंकि सीएम सोरेन ईडी के 6 समन पर उपस्थित नहीं हुए, इसलिए इस बार एजेंसी ने कहा है कि बयान दर्ज करने का यह उनका आखिरी मौका है। झारखंड के सरकारी स्कूली बच्चे पढ़ेंगे इनोवेशन का पाठ। झारखंड के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को शिक्षक इनोवेशन का पाठ पढ़ाएंगे। नए साल 2024 से इसकी शुरुआत होगी। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के तरीके बताएंगे। वर्तमान में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने शिक्षकों की 2 टीम तैयार की है, जो रांची में प्रशिक्षित होगी। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने इसकी तैयारी कर रही है। प्रारंभिक स्टेज और मध्य स्टेज में यह प्रशिक्षण होगा। प्रारंभिक स्टेज का प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 और 4 जनवरी 2024 को होगा। इसके लिए 72 शिक्षक व शिक्षिकाओं को सूचीबद्ध किया गया है। नए साल पर झारखंड में बारिश के आसार। झारखंड में 5 जनवरी तक बारिश के आसार हैं। 2, 3, 4 व 5 जनवरी 2024 को राज्य में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 31 दिसंबर की सुबह में मध्य दर्जे का कोहरा और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। घने कोहरों को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। 9 बरस यानी 1 जनवरी 2024 की सुबह में मध्यम दर्जे का कोहरा और बाद में आंशिक बादल छाए रहेंगे, मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार 31 दिसंबर को राज्य के पश्चिमी, निकटवर्ती, मध्य एवं दक्षिणी भागों में कहीं कहीं घना कोहरा देखा जा सकता है। वहीं 2 जनवरी को उत्तर पश्चिमी एवं मध्य भागों में हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 3 जनवरी को उत्तर पश्चिमी, मध्य एवं दक्षिणी भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 4 व 5 जनवरी को झारखंड में बारिश होने की संभावना है। झारखंड के शिक्षकों के लिए नहीं खरीदा जा सका टैब। डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को 28 से 945 टैब खरीदे जाने थे। योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए थी, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के आखिरी पड़ाव में पहुँच चुकी है, लेकिन टेंडर फाइनल नहीं होने की वजह से अब तक टैब की खरीद नहीं हो सकी। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से पूर्व में इसके लिए निकाले गए 3 टेंडर अलग अलग कारणों से रद्द कर दिए गए। अब चौथी बार टेंडर निकाला गया है। बता दें, वित्तीय वर्ष 22-23 में केंद्र सरकार ने 28,945 टैब खरीदने के लिए राज्य को प्रति टैब 10,000 रुपये के हिसाब से 28.94 करोड़ रुपये दिए थे।
सरना कोड की मांग को लेकर कई जगहों पर चक्का जाम। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी सेंगेल अभियान, केंद्रीय सरना समिति रांची, आदिवासी छात्र संघ रांची, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद रांची, सरना धर्म समन्वय समिति खुट्टी, आदिवासी हो समाज महासभा सरायकेला, राजीव पढ़ा प्रार्थना सभा लोहादग्गा आदि द्वारा कई जगहों पर रेल रोड चक्का जाम किया गया। आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा है कि 5 राज्यों में कई जगहों पर रेल रोड चक्का जाम किया गया। वहीं सरायकेला खरसावा रेल मार्ग पर चांडिला स्टेशन, मीरूडीह रेल फाटक, गम्हरिया आदित्यपुर रेल मार्ग के बीच पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर प्रखंड में मालुका रेल स्टेशन और असम के कोकराझार जिला के गोसाई गाँव व श्रीरामपुर स्टेशन के बीच रेल चक्का जाम किया गया। चतरा से टीएसपीसी का एरिया कमांडर समेत 2 गिरफ्तार। चतरा जिला पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के एरिया कमांडर नीरज गांझू उर्फ जय मंगल व सक्रिय सदस्य धनेश्वर करमाली उर्फ ढेला उर्फ डीके को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से देसी कार्बाइन, यूएसए मेड पिस्टल 7.62 mm का देसी पिस्टल, 5 चक्र जिंदा गोली, 25 पीस पर्चा, मोबाइल व अन्य सामान बरामद किया गया। इन दोनों के खिलाफ चतरा के पिपरवार, लातेहार जिला के बालूमाथ व रांची के खलारी थाना में 6 से अधिक मामले दर्ज हैं। इनकी जानकारी पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने शनिवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता में दी है। रामनगरी में पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत, रोड शो में फूलों की बारिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सुबह भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या पहुंचे, जहां महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई प्रमुख नेताओं ने उनका स्वागत किया है। अयोध्या पहुंचने के बाद मोदी हवाई अड्डे से ही अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के लिए एक रोड शो पर निकले, जहां विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने सड़कों के दोनों तरफ खड़े होकर प्रधानमंत्री का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और उनकी तस्वीर भी लेते दिखे। बता दें, अयोध्या पहुंचने के बाद मोदी हवाई अड्डे से ही एक रोड शो पर निकले। इस दौरान सड़क के दोनों ओर हजारों लोगों की भीड़ प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को बेताब दिखी। मोदी का कारवा रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ा। सुरक्षा कर्मियों से घिरे मोदी सड़कों के दोनों ओर उमड़े लोगों का उत्साह देखकर खुद को रोक नहीं पाए और अपने वाहन का दरवाजा खोला और हाथ हिलाकर उत्साहित जनता का अभिवादन किया। फिर वह वाहन पर खड़े होकर ही लोगों के अभिवादन का जवाब देते नजर आए। सेंट्रल जेल होटवार के जेलर को ईडी का समान। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेलर प्रमोद कुमार को ईडी ने समन किया है। जेलर प्रमोद कुमार को ईडी ने 2 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। पूरा मामला शराब घोटाले में जेल में बंद योगेंद्र तिवारी के नाम से एक प्रमुख अखबार के संपादक को फोन कर धमकाने से संबंधित है। ईडी ने जेल से अलग अलग नंबरों से धमकी दिए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। इस मामले में ईडी ने योगेंद्र तिवारी के सेल व टेलीफोन बूथ के आसपास का सीसीटीवी फुटेज की मांग की है। बता दें, सेंट्रल जेल होटवार में जेल मैनुअल के उल्लंघन के मामले आते रहे हैं। दुमका में ओम बस के मैनेजर की गोली मारकर हत्या। दुमका के कुमारपाड़ा मोहल्ला से रानी बगान जाने वाली सड़क पर शनिवार की रात करीब 10:40 पर अपराध कर्मियों ने ओम बस के मैनेजर सनोज कुमार सेन की गोली मारकर हत्या कर दी। सनोज को अपराधियों ने 6 गोलियां मारी है। गोलियां फिर से गर्दन के बीच उसे 5 गोली लगी है। अपराधियों ने बाइक से उसे ओवरटेक कर उसे काफ़ी करीब से गोलियां मारी है। सनोज बस स्टैंड से बाइक से घर लौट रहा था। अभी घटना के पीछे के कारणों का पता नहीं चल सका है। भारत बंद से चरमराई रेल व्यवस्था, 8 ट्रेनें हुई कैंसिल। आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू के आह्वान पर शनिवार को भारत बंद का ऐलान किया गया। समर्थकों ने चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाली बहालदा रोड स्टेशन में सुबह 8:25 से लेकर 10 बजे तक, गम्हरिया व आदित्यपुर के बीच स्थित रेलवे फाटक नंबर 144 में सुबह 10:40 से लेकर सुबह 11:15 तक और मालुका व डांगुआ कोसी के बीच स्थित रेलवे फाटक 42 में सुबह 11:10 से लेकर 11:45 तक अप और डाउन रेल लाइन में लाल बैनर झंडा लगाकर रेल चक्का जाम कर दिया था। वहां आगरा रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले कांटाडीह स्टेशन पर सुबह 6:35 से लेकर 9:45 तक और चांडिला स्टेशन के होम सिग्नल के समीप सुबह 10:55 से लेकर दोपहर 12:15 तक बंद समर्थकों ने रेल चक्का जाम कर रखा था।
देवघर में पुलिस ग्रामीणों के बीच जमकर नोक झोंक। देवघर के एक सामुदायिक भवन में सो रहे नरेश बावरी को शुक्रवार रात कौरा थाना के एएसआई ने पिटाई कर दी। घटना कौरा थाना क्षेत्र की है। सुबह जब घटना की जानकारी ग्रामीणों को मिली तो उग्र ग्रामीणों ने शनिवार को जमकर प्रदर्शन किया। घायल युवक को सड़क पर रख सुबह 8 बजे से लगभग 3.5 घंटा तक धर्मराज चौक को जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग तब तक डटे रहे जब तक एसडीपीओ ने घटनास्थल पर आकर भरोसा नहीं दिया। मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा हेमंत सरकार पर बरसे भाजपा नेता। झामो सरकार भले ही 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर अपनी खुशी का इजहार कर रही हो लेकिन उसने जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। उसने अपनी नाकामियों की वजह से किसी भी विधायक को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। राज्यपाल से मांग है कि हेमंत सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। यह बात सारण से भाजपा विधायक रणधीर सिंह ने शनिवार को परिसदन में कही है। उन्होंने कहा है कि झामो ने चुनाव से पहले वादा किया था कि 5 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। 4 साल में 20 लाख लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए था लेकिन 367 लोगों को सरकारी नौकरी दे सकी। रघुवर सरकार के समय दीनदयाल कौशल विकास योजना के तहत जिन लोगों को नियुक्ति पत्र देना था उसी को देकर वाहवाही लूटने का काम कर रही है। दुमका का कोयला बालू और पत्थर सरकार के इशारे पर यूपी बिहार और बंगाल की सीमा तक पहुंचा कर राजस्व की हानि पहुंच रहे हैं। सरकारी स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने के लिए सीटी बजाओ अभियान। आपके मोहल्ले में भी सीटी की आवाज़ सुनाई दे तो समझ लीजिएगा कि सरकारी स्कूल का समय हो गया है और बच्चे को स्कूल भेजना है। हर विद्यालय के पोषक क्षेत्र से आने वाले एक बच्चे को सीटी उपलब्ध करानी है। बता दें वह बच्चा अपने घर से निकलने के बाद मोहल्ले में सीटी बजाते हुए स्कूल आएगा ताकि बच्चों की टोली उसके साथ स्कूल आ सके। स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने और ड्रॉप आउट कम करने के लिए यह पहल जिला शिक्षा विभाग की ओर से शुरू की जा रही है। मुख्यालय से मिले निर्देश के आलोक में जिले के सभी विद्यालयों में सिटी बजाओ स्कूल बुलाओ अभियान की शुरुआत की जानी है। शीतलहर को देखते हुए 31 दिसंबर तक स्कूलों को बंद किया गया है। अब 2 जनवरी से विद्यालयों का संचालन होना है। इस अभियान की तैयारी का निर्देश शिक्षकों को दिया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व में 4 बाघ। झारखंड के एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट पलामू टाइगर रिजर्व बेतला में 4वें बाघ की एंट्री हुई है। करीब 10 वर्षों में पहली बार यहां 4 बाघों की पुष्टि हुई है। आखिरी बार 2014 में 3 बाघों की मौजूदगी के प्रमाण मिले थे। 2018 में तो इनकी संख्या 0 हो गई थी। हाल ही में बेतला में दिखे बाघ की शारीरिक बनावट को आधार बनाकर विशेषज्ञों की टीम ने विश्लेषण के आधार पर इसकी पुष्टि की है। विशेषज्ञों ने कहा है कि बेतला में दिखा बाघ पूर्व में दिखे 3 बाघों की तुलना में अलग है। विशेषज्ञों की टीम ने बताया है कि बेतला में दिखे बाघ की तस्वीर एक साइड से कैद हुई है जब पहले से मौजूद 3ों बाघ की तस्वीरें से उसका मिलान किया गया तो यह देखा गया कि वह सभी से अलग है। बाबूलाल की अध्यक्षता में झारखंड भाजपा की बैठक आज चाईबासा में। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में प्रदेश पदाधिकारी की बैठक 31 दिसंबर को चाईबासा में आयोजित की गई है। इस बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी सहित पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष एवं जिला प्रभारी शामिल होंगे। बैठक से पूर्व सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनेंगे। इस होने वाली बैठक में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष एवं जिला प्रभारी समेत कई लोग शामिल होंगे। रांची की बहू अग्राता ढाढ़निया ने जीता मिसेज इंडिया झारखंड 2023 का खिताब। झारखंड की राजधानी रांची की बहू और छत्तीसगढ़ की बिटिया अग्राता ढाढ़निया ने मिसेज इंडिया झारखंड 2023 का खिताब जीत लिया है। मिसेज इंडिया 1 in a Million सीरीज 4 में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। यह कार्यक्रम दिल्ली के होटल लीला पैलेस में पिछले दिनों आयोजित किया गया था। 21 से 24 दिसंबर 2023 तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें कई चरणों की प्रतियोगिता के बाद प्रतियोगियों का चयन किया गया। अग्राता ढांडनिया ने इस प्रतियोगिता में मिसेज टैलेंटेड में प्रथम स्थान प्राप्त किया जबकि बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम टाइटल का भी पुरस्कार जीता है। आपको बता दें कि अग्राता फिलहाल अंग्रेजी साहित्य से PhD कर रही है। झारखंड की आशा किरण बारला ने 800 मीटर में जीता स्वर्ण पदक। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं महाराष्ट्र सरकार के तत्वाधान में महाराष्ट्र के चंद्रपुरा शहर में 28 से 30 दिसंबर तक संपन्न 66वीं राष्ट्रीय विद्यालय अंडर 19 वर्ग एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 800 मीटर स्पर्धा में झारखंड की आशा किरण बारला ने
एमेरी मेनुल के 2017 में राष्ट्रीय स्कूली प्रतियोगिता में बनाए गए 2:08:53 सेकेंड के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 2:06:10 सेकेंड में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है।